Welcome to our channel. Today I am going to tell you about adaptation in animals. So let's start with a PPT. See friends, this is adaptation in animal heading. So let's start. Classification of animals based on their habit, terrestrial or land animal and aquatic. So मैं आपको बताता हूँ कि क्लासिफिकेशन हम एनिमल्स की कैसे करते हैं। देखिए, इस पहला तो होता है हमारा टेरेस्ट्रियल, जो कि लैंड पर रहते हैं, इन्हें हम लैंड एनिमल्स भी होते हैं। एक्वेटिक जो कि पानी में रहते हैं। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में हम और पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, और आप वीडियो को पूरी तरह से देखें ताकि आपको सब समझ आए। देखिए, एनिमल दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल। ये आपके लिए सबसे अच्छी डेफिनेशन है, इसके लिए आप इसे अपने पेपर में लिख सकते हैं। वैसे तो मैंने आपको पहले ही बता दिया थी कि लैंड एनिमल्स लैंड पर रहते हैं। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, एनिमल्स लाइक डॉग, डियर, कैमल, काउ एक्सेट्रा, ये कई सारे होते हैं। वैसे दीज एनिमल्स हैव सर्टेन डिस्टिंक्ट फीचर्स टू लिव ऑन लैंड। तो ये जो जैसे हम जीते हैं यहाँ पे, और हम जैसे हम जॉब करते हैं तो हमें पैसे मिलते हैं, तभी तो हम खा पी पाते हैं। इसलिए इन्हें भी कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं लैंड पे जीने के लिए। तो चलो हम पढ़ते हैं। लेग्स और लिम्ब टू मूवमेंट, ये तो आपको पता ही होगा, सबके लेग्स होते हैं। पर लिम्ब्स क्या आपको पता है? आपने थर्ड क्लास में तो पढ़ा ही होगा, पर क्या आपको पता है कि ये क्या होता है? अगर आप भूल गए हैं तो मैं बता देता हूँ। लिम्स होते हैं, जैसे इंसानों के लिए लंग्स होते हैं, ऐसे ही कई वाटर एनिमल्स के लिए होते हैं लिम्स। लिम्स उनके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, जैसे कि हमारे लिए लंग्स होते हैं। अगर उनके लिम्ब नहीं हुए तो वो मर जाएंगे। तो चलो, लंग्स टू ब्रीथ, कईयों के लंग्स भी होते हैं। हैरी और थिक स्किन टू बियर हीट एंड कोल्ड, आप सोचते होंगे कि एनिमल्स के पास कपड़े तो होते नहीं हैं, फिर भी वो इतनी ठंड गर्मी में रह लेते हैं, ये कैसे रहते हैं, क्या कपड़े भी नहीं है? तो ये सबसे, ये इनके पास इतने मोटे मोटे बाल होते हैं, जैसे हमारे तो सिर्फ सर पर होते हैं ना, और आईब्रो होते हैं, इनके पूरी बॉडी पर बाल होते हैं ताकि ठंड से बचे रखें। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसके लिए पोलर बेयर, क्योंकि आपको पता है नॉर्थ पोल में ही रहते हैं हमेशा। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक एग्जाम्पल है एनिमल का। देखिए, ये चलता है अपने लिए, इसके पास पैर हैं ये तो पता है, पर देखिए इसके लिए भी लंग्स हैं अंदर, जैसा कि यहाँ पे होता है ना, इसी के लिए, ये इसकी नाक है, सूंड जो आप समझते हैं ना, और इसी के लिए इसे खाना मिलता है अपने पेड़ों से, जो कि इन्वायरमेंट है। और जैसे कि मेरी दीदी ने आपके लिए इन्वायरमेंट की वीडियो भी बनाई थी, उसे आप ज़रूर देखें अगर आपने नहीं देखी तो। और इन्हें पानी मिलता है कई सारे झीलों से, जैसे कई थोड़े थोड़े पानी के पॉन्ड्स होते हैं ना, उनकी वजह से इन्हें। एनिमल दैट लिव ऑन माउंटेन पोलर रीजन भी बोल सकते हैं हम वैसे। चलो हम पढ़ते हैं, ये होता है, तो ये भी पोलर रीजन के होते हैं। मतलब जैसा कि मैंने आपको पोलर बेयर बताया था, ऐसे ही वहाँ पे कई सारे होते हैं, जैसे कि आपने पेंगुइन सुना होगा, आपने पोलर बेयर तो मैंने बता ही दिया था, और सील जो पानी में तैरती रहती है ना, उसके भी पता नहीं लंग्स या लिम्स में। तो चलो हम पढ़ते हैं। दे हैवी फर, टेरेस्ट्रियल से भी ज़्यादा फर, और एक स्किन और एक लेयर होती है जो कि फैट होता है ना, उनका फैट वो उसके लिए अंदर होती है। देयर स्किन टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम क्लाइमेट, उनकी स्किन भी ऐसी होती है जो कि क्लाइमेट से उन्हें बचाती है। हैज़ स्मॉल हूप्स दैट हेल्प टू क्लाइंब अप एंड स्टेप रॉकी माउंटेन। तो हूप्स मतलब उनके बड़े बड़े, मतलब छोटे छोटे थोड़े से पंजे होते हैं जो कि बहुत ही शार्प होते हैं। जैसे सब डरते हैं पोलर बेयर से, ऐसे क्योंकि वो इसलिए डरते हैं क्योंकि पंजे घुसा देगा अपने, इसलिए डरते हैं। और इन्हीं पंजों से वो अपने इतनी ऊपर, जैसे पहाड़ होते हैं ना इतने। चलो हम आगे बढ़ते हैं। चलो ये देखिए, ये पोलर बेयर का है, ये एक बेबी है पोलर बेयर का। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर छोटे छोटे नाखून हैं, अगर नहीं दिख रहे हैं तो। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बेबी में इसके इतने फर हैं, देखिए इतने फर हैं इसके। चलो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए पोलर बेयर है ये
सॉरी पेंगुइन, इसके भी लेयर छुपी हुई है पर आपको दिखती नहीं है। और अंदर देखिए कितना फैट, ओ ये भाई ये तो बहुत मोटा है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। एनिमल लिविंग इन डेजर्ट, ये सब टेरेस्ट्रियल के टाइप हैं जो कि मैंने आपको अभी तक बताए हैं। कुछ थे वाटर एनिमल्स भी थे, तो चलो मैं आगे बढ़ते हैं। ये डेजर्ट के एनिमल्स हैं। आप सोच रहे होंगे वहाँ तो बिल्कुल पानी नहीं होता, बहुत कम पानी मिलता है, तो ये एनिमल कैसे जीते होंगे। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। दे सर्वाइव विद लिटिल वाटर, कैसे कर सकते हैं वो, हम आगे बढ़ते हैं। डेजर्ट एनिमल आर स्मॉल इन साइज, वो स्मॉल भी होते हैं ताकि वो जल्दी चल पाएँ। दे कैन लिव विदाउट फूड एंड वाटर फॉर मैनी डेज, क्यों, क्योंकि वो जो आपने देखा है ना, अगर आप कैमल देखा है आपने, ये देखिए ये जो दो निकले होते हैं ना, ये एक होता है वैसे कैमल के, तो ये तो दूसरा तरह का कैमल है। ये इसके हम पीछे बैठते हैं, जैसे कि आपने सुना है डेजर्ट में ये जो होता है ना, इसमें वो अपना जैसे खाना खाता है ना, वो इसमें जाके एक पाइप से यहाँ पे स्टोर हो जाता है। वो जैसे हम स्टोर करते हैं अपने पेट में, ऐसे उसके यहाँ स्टोर हो जाता है पॉलीथिन में जैसे में। कैमल हैज़ अ पैडेड फीट टू मूव ऑन सैंड, उसके पास बहुत लंबे और छोटे छोटे पतले पतले पैर होते हैं ताकि वो बहुत अच्छे तरह से चल पाए और अपना कई सारा बोझ भी उठा पाए। और हैव हम्स ऑन देयर बैक टू स्टोर फूड एंड वाटर, जैसा कि मैंने आपको बताया था, फैट्स गिव देम एनर्जी व्हेन दे डू नॉट गेट फूड, वो एक टाइम का खाना उसमें से निकाल के खा लेते हैं, च्यू करने लगता है और फिर वो उनके पेट में और एनर्जी दे देता है और फिर उन्हें फिर खाना मिल जाता है थोड़ा। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक अलग बात बता, तो कैमल एक र्यूमिनेंट है, र्यूमिनेंट उन एनिमल्स में आता है जो अपना खाना स्टोर करके फिर च्यू करने लगते हैं। इसके लिए मैं आपके लिए जल्द ही वीडियो बनाऊंगा, तो चलो मैं अपने वो आते हैं टॉपिक पे। दे हैव लॉन्ग आई लैशेस दैट प्रोटेक्ट देयर आई ड्यूरिंग सैंड स्टॉर्म्स, तो जैसा कि आपको पता है रेगिस्तान में बहुत सारे तूफान आते हैं, उसके जल्दी से जाने के लिए उसके लिए होते हैं बड़े बड़े आई लैशेस, जैसे हमारे आई लैशेस होते हैं ना आई लिड पर, आई के लिए आपने एक वीडियो तो देखी होगी, तो आई लैशेस होते हैं ना वो उनके बहुत लंबे होते हैं ताकि कूड़ा उनमें फंसे और आँखों के अंदर ना जाए। एक्वाटिक एनिमल्स, अब आगे हमारा एक्वाटिक एनिमल्स जो कि जिसका कि आपको बहुत देर से इंतज़ार था। तो चलो, मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स हैव गिल्स टू ब्रीथ बट फ्यू मे हैव लंग्स, थोड़े से उनके पास ही होते हैं लंग्स और ज़्यादातर उनके पास होते हैं गिल्स। दे हैव फिन्स एंड टाइल्स विच हेल्प देम टू स्विम इन वाटर, उनके पास ऐसे ही होते हैं जैसे अपने टॉर्टोइस के देखे हैं ना, वो लंबे लंबे से चार होते हैं, उन्हें ही बोलते हैं ये, वो उन्हें तैरने में हेल्प करते हैं। They have slender shaped body which help them in living under deep water, ताकि वो अपने दुश्मनों से बच सकें। ओके, सम हैव वेवेड फीट टू पेडल लाइक डक, जैसे हम साइकिल पर करते हैं ना ऐसी, वो उनके लिए अपने पैर होते हैं एक ऐसे जो लेयर का होता है जिससे वो जल्दी स्विम करना पड़ता है। और मैं आपको एक अमेजिंग बात बताता हूँ, ब्लू व्हेल इज द लार्जेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ, ये देखिए ये ब्लू व्हेल है, आपको देखना बड़ी छोटी लग रही होगी पर ये आपको ये ह्यूमन के साइज से तो क्या, ये एक बड़े बड़े एनिमल्स लाइक हाथी ये पूरी अर्थ में सबसे बड़ी है, 1 किलोमीटर की हो सकती है ये। सो नेक्स्ट टॉपिक इज एम्फीबियंस, अब इसकी डेफिनेशन, दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, एम्फीबियंस की डेफिनेशन होती है जो कि बोथ लैंड और एनिमल, मतलब लैंड और एक्वेटिक दोनों में रह सकते हैं। दे हैव लिम्स टू मूव एंड स्विम, उनके लिए लिम्स होते हैं कई सारों के होते हैं, बस थोड़े से के लिए लंग्स होते हैं, जैसे कि फ्रॉग हो गया आपका। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। गिल्स एंड लंग्स टू रेस्पायर इन वाटर एंड ऑन लैंड, गिल्स एंड लंग्स भी होते हैं, वो उनके पास लंग्स भी होते हैं जिससे कि वो वाटर और लैंड पे भी हो सकते हैं, मतलब अपनी सांस ले सकते हैं। उनके लिए गिल्स तो पानी के लिए होते हैं और लैंड के लिए होते हैं उनके पास लंग्स। मोस्ट स्किन टू ब्रीद इन वाटर, मॉइस्टर मतलब मॉइस्टर होता है ना, ऐसी बहुत ज़्यादा मॉइस्टर वाली स्किन होती है। ब्रीद अंडर वाटर, कैन नॉट बियर वेरी कोल्ड वेदर, वो बहुत कोल्ड वेदर में नहीं रहते, इसलिए जब लैंड में बहुत कोल्ड वेदर होता है तब वो पानी में चले जाते हैं, पानी में बहुत कोल्ड वेदर होता है तो वो लैंड पर आ जाते हैं। कैन नॉट
दे अंडरगो लॉन्ग विंटर स्लीप कॉल्ड हाइबरनेशन, सॉरी हाइबरनेशन मतलब वो विंटर में कम से कम बहुत ज़्यादा सोते हैं। देखिए ये टॉर्टोइज है, इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है। देखो ये तो आपको पता है अपने शेल के अंदर छुप जाता है, पर ये लैंड पे भी और वाटर में भी रहता है, और ये आपको थोड़ा डरावना रख रखा होगा होगा लग रहा होगा आपको, पर इसे आप पाल भी सकते हैं क्योंकि ये कुछ नहीं कहता, ये हमने घर पर पाला हुआ है। एरियल एनिमल्स, एनिमल्स दैट कैन फ्लाई, ये तो आपको पता है बर्ड्स होती हैं कई सारी, हैव हॉलो बोन्स एंड विंग्स टू फ्लाई, मतलब हॉलो बोन्स होती हैं उनकी, बोन्स के अंदर कुछ नहीं होता, सिर्फ थोड़ा सा कैल्शियम होता है और कुछ नहीं होता, और विंग्स में भी ऐसा ही होता है कुछ, हैव बोट शेप्ड बॉडी टू फ्लाई, बोट की शेप की बॉडी होती है। ये देखिए ये बर्ड है ना, ये इसने अपने फैदर यहाँ थोड़े ये खोल लेती है, ओके और ये देखिए बोट शेप्ड बॉडी है ना, अगर हम इसे थोड़ा टेढ़ा करके देखें तो बोट शेप्ड लग रहा होगा आपको, एकदम बोट शेप। एयरबोरियल एनिमल्स दैट स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम्स ऑन ट्रीज, वो हमेशा ट्रीज पर रहते हैं, तो चलो हम पढ़ते हैं। जैसे कि ये बंदर, ये भी एक तरह का मंकी है जो कि रहता है हमेशा पेड़ पर, और क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू फूड हैबिट, मतलब हर एनिमल का फूड हैबिट, जैसे कि हर्बोरियस जो कि वेज होते हैं, कार्निवोरियस जो कि कार्निवोरस जो कि नॉन वेज होते हैं, और ओमनीवोरस, अब आगे चलते हैं, और वैसे ओमनीवोरस दोनों खाते हैं नॉन वेज और वेज। हर्बोरियस एनिमल्स हु आर प्लांट ईटर्स एंड हर्बोरियस, एनिमल जो कि प्लांट ईटर्स होते हैं जो कि फल वल खाते हैं उन्हें हर्बीवोरस कहते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है काऊ, ये आपको वैसे डरावनी लग रही होगी क्योंकि ये पिक्चर ऐसी खींची गई है। कार्निवोरस फ्लैश ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस, जैसे कि लायन। ओमनीवोरस ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, जैसे कि भालू जो कि शहद भी खाता है और एनिमल्स को भी खा जाता है। थैंक यू, इफ़ यू लाइक आवर वीडियो सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड फॉर मोर वीडियोज़ कमेंट आवर चैनल।